हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओब्लिप्रेप्स। आज हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की। 17 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे सभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आज के हमारे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कब करेंगे? आंसर है 18 जनवरी 2019। पीएम मोदी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की? आंसर है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के युवाओं के लिए वन फैमिली वन जॉब की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है वाराणसी। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी के स्थान पर 21 से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है डी गुकेश। डी गुकेश दुनिया के दूसरे और भारत के सबसे पहले युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गुकेश ने 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 100 ग्लोबल थिंकर्स की सूची में शामिल किया गया? आंसर है मुकेश अंबानी। मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी ने जियो के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्मार्टफोन इंटरनेट क्रांति को बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एससी में अतिरिक्त सॉलिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सीनियर वकील संजय जैन को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन को सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिटर जनरल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल एम्बिशन समिट 2019 कहाँ शुरू हुई है? आंसर है मुंबई। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फीकी के साथ मिलकर पहला ग्लोबल एम्बिशन समिट का आयोजन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली EMRS राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2019 कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर है हैदराबाद। राज्य मंत्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के छात्रों के लिए पहली नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि मनु साहनी को संगठन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 1 मार्च 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? आंसर है पुडुचेरी। 1 मार्च 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन बिक्री और उपयोग पर पुडुचेरी ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 17 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।